think this is a Maggie. मैगी खाने से बॉडी बनती है नहीं? बताते हैं, क्या मैगी खाने से, इंस्टेंट नूडल खाने से आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो या फिर अच्छा मसल मास बना सकते हो या हेल्दी रह सकते हो, इसके बारे में आज हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना, यानी कि लाइक बटन को दबाना। हिंदी में बोल रहा हूँ, लाइक बटन को दबाना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने की जरूर सोचें। तो भाई सबसे पहले ये समझते हैं कि बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। बॉडी बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए आपको तीन चीजों को सही रखना होता है, जो है आपकी ट्रेनिंग, जो वर्कआउट जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ आपकी न्यूट्रिशन यानी कि खाना पीना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, और फिर आता है रेस्ट। अब ये दो चीज़ों की तो बात तो हम नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि ट्रेनिंग और रेस्ट जो है वो मैगी से रिलेटेड नहीं है, मैगी से रिलेटेड है न्यूट्रिशन। सो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं देखने वाली कि हमारे मैक्रोज और माइक्रोज सही तरीके से उस फूड में हमें मिल रहे हैं या नहीं, तब जो हमें बॉडी बढ़ाने में या फिर हेल्दी रहने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं हम मैगी के न्यूट्रिशन फैक्ट्स की, क्योंकि उसको देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि मैगी के अंदर है क्या और जो हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है या नहीं। तो भाई मैगी के अंदर अगर आप देखोगे न्यूट्रिशन लेबल को, तो अलग अलग तरीके की मैगी में अलग अलग न्यूट्रिशन होती है, लेकिन रफली सेम ही रहता है। तो अगर आप पीछे देखोगे तो उसका जो सर्विंग साइज है, जो मेरे पास मैगी पड़ी थी उसमें 230 ग्राम का सर्विंग साइज है, और 230 ग्राम में उसमें आपको लगभग 313 कैलोरीज मिल रही है। अब 230 ग्राम में 300 के आसपास कैलोरीज, लेकिन बात यहाँ पे कैलोरीज की नहीं है, बात यहाँ पे है उसके अंदर के मैक्रोस। अब मैक्रोस जो है, सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए, अमीनो एसिड्स, राइट, जो आपके मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसके अंदर कितना है। तो 230 ग्राम ऑफ मैगी के सर्विंग के अंदर आपको सिर्फ मिल रहा है 6.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन की बहुत कम है। 230 ग्राम में आपको सिर्फ 6.7। जब आप कोई बॉडी बिल्डिंग फूड की बात करते हो, हेल्दी फूड की बात करते हो, तो आपको उसमें लुकआउट करना होता है कि भाई अगर प्रोटीन देख रहे हो तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, इसके अंदर बहुत कम है। लेकिन फिर भी चलो हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हम इसको माने कि ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, भाई त्यौहार का माहौल है और आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए माई प्रोटीन जो है इस बार लेके आया है फेथ इन फिटनेस, यानी कि अगर आपको अपनी फिटनेस में फेथ है तो भाई आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हो। और इसीलिए रात 12 बजे से मैक्सिमम डिस्काउंट्स 40% चालू होने वाले हैं, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड है वर्कआउट। अगर आप सप्लीमेंट्स परचेज कर रहे हो दिस दिवाली, तो डेफिनेटली इस चीज़ का इस्तेमाल करो एंड एंजॉय। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ना, वो आपको 230 ग्राम में लगभग 43 ग्राम्स के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है ना, इंग्रेडिएंट, वो गलत है, यानी कि ये आ रहा है रिफाइंड फ्लावर से। अब रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस्ड है, और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जब आप खरीदते हो, खाते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है और शुगर जो है ब्लड में वो बढ़ाता है, और ब्लड में शुगर का बढ़ाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसुलिन स्पाइक होने की प्रॉब्लम हो सकती है, जो लॉन्ग रन में आपके लिए सही नहीं है। अब आप कहेंगे भाई बॉडी बनाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए तो बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर चाहिए होता है, लेकिन जब आपको इस तरीके की प्रोसेस फूड से जब शुगर मिलती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ढेर सारी बहुत जल्दी मिल जाती है, और इतना जल्दी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर नहीं चाहिए होता है। हमारी बॉडी को चाहिए होता है स्टेडी रिलीज ऑफ शुगर, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर धीरे धीरे सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज जो है रिलीज करता रहे। जब आप इस तरीके के प्रोसेस फूड खाते हो तो बहुत जल्दी कन्वर्जन हो जाता है और इतना जल्दी बॉडी यूज़ नहीं कर पाती, यूटिलाइज नहीं कर पाती, जो ये लॉन्ग रन में सही नहीं होता है। तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो मात्रा में भले ही ये ज़्यादा है, लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें मिल रही है आपको, यानी कि जो आपको फ़ायदेमंद वाली बात है, वो फ़ायदा इसमें नहीं है, तो ये नुकसान ज़्यादा आपको करेगा फ़ायदे से ज़्यादा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये दिक्कत है। अब अगर बात करें हम फैट्स की, तो फैट आपको 230 ग्राम्स के अंदर 10.7 ग्राम्स मिल रहा है। अब
फैट्स 10.7 ग्राम जो मिल रहा है ना, इसमें ज़्यादा आपको सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट मिल रहा है। और जो पैकेट के अंदर मैंने देखा था उसके अंदर तो ट्रांस फैट मेंशन भी नहीं किया था। तो डेफिनेटली इसके अंदर आपका ट्रांस फैट इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो नूडल्स होते हैं ये फ्राइड नूडल्स होते हैं, यानी कि प्रिजर्व करने के लिए, इनको पैक करने के लिए आटा जो है इसका, जो ये रिफाइंड फ्लावर, इसको नूडल बनाने के बाद फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई, जिसकी वजह से इसमें ऑयल का कंटेंट, वो भी वेजिटेबल ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है जिसमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ट्रांस फैट जो है वो बहुत ही बुरा इसीलिए होता है क्योंकि ये आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी में बढ़ाता है, जो लॉन्ग रन में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दे सकता है। इसके अलावा जब हम सैचुरेटेड फैट की बात कर रहे हैं तो सैचुरेटेड फैट पूरा खराब नहीं होता है। अगर सैचुरेटेड फैट किसी नेचुरल फूड सोर्स से आ रहा है, यानी कि रॉ फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि आप घी खा रहे हो या फिर किसी मीट से आ रहा है और लिमिटेड अमाउंट में आ रहा है, यानी कि ओवरऑल फैट का अगर वो 20-30% आपकी बॉडी में सैचुरेटेड फैट नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है, रॉ सोर्सेज से, तो इट्स गुड। लेकिन अगर इसी तरीके के पैक्ड फूड से अगर आप वो ट्रांस फैट ले रहे हो तो वो सही नहीं होता है, आपकी बॉडी में लॉन्ग रन में वो बहुत दिक्कतें पैदा करता है। सो ओवरऑल देखें तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के मामले में ये जो मैगी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब बात करें इसके दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि फाइबर, तो ये बहुत ही कम है। 230 ग्राम्स के अंदर आपको 2.8 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल रही है, विच इज़ सुपर लेस। मतलब आपकी दिन भर में जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग 25 से 30 ग्राम फाइबर लेने की होती है, जो आपको इसमें सिर्फ 2.8 ग्राम्स मिल रहा है, यानी कि ना के बराबर। इसी की जगह पे अगर आप ओट्स कंज्यूम कर लेते तो उसमें आपको 5-7 ग्राम्स तक आपको इस इतनी सर्विंग में, इतने ग्राम्स ऑफ सर्विंग में आराम से मिल जाता। अब इसके बाद बात करते हैं सोडियम की, जो सबसे खतरनाक चीज़ है। सोडियम इसकी एक सर्विंग यानी कि 230 ग्राम के अंदर आपको 870 मिलीग्राम्स मिल रहा है, यानी कि इतना सारा सोडियम आपकी बॉडी में जो ये जा रहा है ना, ये लॉन्ग रन में दिक्कत पैदा करता है। कैसे? सोडियम होता है एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू योर ब्लड प्रेशर, या आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है, और जो सही नहीं है। हाई बीपी होना इट्स नॉट गुड थिंग, हाइपरटेंशन नॉट गुड थिंग। इसके साथ साथ जब आपकी बॉडी में इतना सारा सोडियम जाता है तो ये आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी करता है, आपके फेस में, आपके स्किन में वाटर, पानी का एब्जॉर्ब होना, यानी कि पानी का होल्ड होना बेसिकली, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड नज़र आते हो, ठीक है। तो ये सोडियम इतना ज़्यादा नहीं लेना है। सोडियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है आपकी लगभग 2300 मिलीग्राम से लेकर 2500 मिलीग्राम तक रहती है ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर आप 800-900 मिलीग्राम सिर्फ एक सर्विंग में ले लेंगे, वो भी मैगी के छोटे पैकेट से, तो भाई दिन भर में जो आप फूड खा रहे हो उसमें भी तो सॉल्ट जा रहा है, तो उससे आपको कितना ज़्यादा सोडियम आपकी बॉडी में जाएगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट फूड फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड यू नो नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस। अब बात करते हैं क्विकली इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है मैल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी। कैसे? अब आप सोचोगे भाई मैं तो मैगी खा रहा हूँ, इसमें इतनी सारी कैलरीज मिल रही हैं, इतना पेट भर रहा है मेरा, न्यूट्रिएंट की कमी कैसे? भाई इसमें कैलरीज ज़्यादा हैं, हाई कैलरीज बट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, मतलब कि न्यूट्रिएंट की कमी है, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है इसके अंदर। जितना आप कैलरीज खा रहे हो उसके हिसाब से जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो बहुत कम है। साथ ही साथ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो दूसरे विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इसको लॉन्गर रन में आप अगर इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस में तो ये सही नहीं है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अब ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर डाली जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या है, लत लग जाती है इसकी, ठीक है, लत लग गई टाइप, जैसे कि आप सिगरेट पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोगों को कैसी लत लग जाती है, उसी तरीके से इसका भी टेस्ट डेवलप हो जाता है। टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, एडिक्टिव बनाने के लिए प्रोडक्ट को ये चीज़ डाली जाती है। हालांकि ये पैकेट में मेंशन नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ा सा स्केप्टिकल है, बट MSG इसके अंदर डाला जाता था कि आपका टेस्ट जो है बना रहे और आपको उसको बार बार खाने का मन करे। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव इफेक्ट आपको देता है, वो है ओबेसिटी। अब देखो छोटे से पैकेट के अंदर इतनी सारी कैलरीज आपको मिल रही हैं, बार बार खाने का मन कर रहा है, तो लोगों को क्या होता है, आदत लग जाती है, रोज़ शाम को मैगी खाएंगे, रोज़ शाम को, मतलब एक स्टेपल फूड की तरह जब आप इसे कंज्यूम करने लगते हो तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने, ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ाने में, और मोटापे से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपकी बॉडी में लगाने में बिल्कुल आपकी मदद करता है। तो मैगी के साथ ये प्रॉब्लम है। अब इतनी सारी बात समझने के बाद अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि क्या ये बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए मैगी खाना यू नो सही है या नहीं, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता।
मैगी आपको अगर खानी है तो आप इसे एज अ चीट मील ट्रीट करिए, यानी कि अगर आपको कभी कभी खानी है मैगी तो आप खाओ, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ मैगी पॉइंट गए हो तो वहाँ खा सकते हो। लेकिन मैगी को एक बॉडी बनाने का एक ऐसा फूड, यानी कि कोई न्यूट्रिशनल फूड, जैसे कि आप प्रोटीन के लिए एग्स, चिकन, पनीर की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ओट्स की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, उसमें इसको शामिल मत करो। ये कोई बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बल्क क्रिएट करने के लिए आपका फूड नहीं है। ये एक ऐसा फूड है जो लगातार इस्तेमाल से आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर कभी कभार आप इसको खाना है तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीट इट एज अ चीट मील, दैट्स इट, राइट। एंड गाइस, मेक श्योर आप हेल्दी रहिए। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं या किसी और पर्टिकुलर फूड के बारे में या फिर यू नो ड्रिंक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे डेफिनेटली आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन आउट।